नमस्कार, स्वागत है आपका विंध भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। महज 17 वर्ष की आयु में कांटा जेल ऐसा जुनून था कि हम अयोध्या जाएंगे और मंदिर बनवाएंगे। वर्ष 1990 में अयोध्या के लिए रवाना हुए डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता लालमणि सिंह समेत 3 दर्जन लोगों को ही अयोध्या जाने से पहले जेल में जाना पड़ा। पुलिस ने जेल में भिजवा दिया, 3 रात जेल में बिताना पड़ा। आज अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। डॉ अजय मिश्रा के चेहरे में बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि यह मेरे गौरव की बात है, मुझे जेल जाने का गम नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज मेरा सपना साकार हुआ। मालूम हो कि डॉक्टर राजेश मिश्रा के पुत्र डॉ अजय मिश्रा 12वीं कक्षा के बाद से ही आरएसएस से जुड़ने के बाद संघर्ष की राजनीति शुरू किए थे। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी। बहुत खुश है, अंदर अंदर बहुत। कांग्रेसी नेता को ठुकरा दिए, वो दिखावती है, वो सब दिखाती है। सब जाएंगे, वो सब जाएंगे, पूरा जाएंगे। धीरे धीरे 2-4-6 महीने बाद जाएंगे, उनका परिवार भाई सब जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कभी नहीं ठुकरा सकते राम जी को, कभी नहीं। कांग्रेसी कभी राम विरोधी है ही नहीं है, ना ठुकरा सकते हैं। वो जाएंगे, नेता निमंत्रण ठुकराना वो अलग विषय है। जानते थे कि निमंत्रण आया, बहुत भीड़ है, दिक्कत होगी, ये भी हो सकता है, लेकिन जाएंगे वो। आपके पिताजी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने भी आपके को लेकर बखान किए कि मेरे पुत्र महज 17 साल की उम्र में वहाँ गए, कार सेवा में गए और जेल भी गए, क्या कहेंगे? पिताजी के ही कारण से तो कार सेवा में मैं जा पाया हूँ। उन्होंने ही तो प्रोत्साहित करके हमको भेजा, क्योंकि वो शासकीय सेवा में रहते हुए प्रत्यक्ष रूप से कार्य सेवा में नहीं जा सकते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पीठ पीछे वो हर ऐसा काम करते थे जो भी सिंधु परिषद या आरएसएस के द्वारा तय किया जाता था, वही तो हमको भेजे थे। वो बहुत खुश हैं। आपके साथ लाल वरिष्ठ अधिवक्ता लालमणि सिंह भी गए थे, आपने उनका बखान भी किए, उनके साथ आज भी एक बड़ा संदेश होता है, क्योंकि अधिवक्ता होने के साथ साथ आरएसएस के कट्टर भी समर्थक हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? वकील साहब, वकील साहब के पिताजी भी आरएसएस में थे, संघ के तृतीय वर्ष शिष्य स्वयं सेवक थे, वो स्वयं संघ के तृतीय वर्ष शिष्य स्वयं सेवक, और उनके रोम में आरएसएस की व्यवस्था जानकारी बसती है। उनके बारे में अब क्या कहना, उन्हीं के नेतृत्व तो हम लोग वहाँ की यात्रा शुरू किए थे। कुल मिलाकर आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने रामलला मंदिर के लिए जेल गए, अब जनता के लिए क्या संदेश है, फिर से दोहराना चाहता हूँ। जनता के लिए फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, सभी जनता को, सभी भाइयों को राम राम, पूरा वातावरण राम राम हमें कर दें। आप दर्शन करने कब जाएंगे? जैसे ही आम जनता के लिए सामान्य रूप से वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी और पट खोले जाएंगे कि सब जा सकते हैं, मैं अतिशीघ्र जाऊँगा अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ। और आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक संगीत मंडली बनी है जिसका नाम है राम नाम की महिमा, उसके सभी 17-18 साथी साथ में जाएंगे। हम लोग रामायण मानस गाने का काम उसमें करते हैं, हम लोग सब जाएंगे, अतिशीघ्र जाएंगे। ठीक,